झारखंडी छात्र और दोस्तों को स्वरूप सर की ओर से जोहार। जैसा कि बोर्ड पे लिखी हुई है खोरठा, और मैंने जो ये पाठ्यक्रम लिखा है, ये पाठ्यक्रम जेटेट के अलावा जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में भी जो ग्रामर का पोर्शन है वही पोर्शन आपके जेटेट के सिलेबस में भी है। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा आयोजित होने वाली जो यहाँ की गवर्नमेंट परीक्षाएं आयोजित करती है उन बहुत सारी परीक्षाओं में भी ग्रामर के पाठ्यक्रम को पूछी जाती है। मतलब ये पाठ्यक्रम मुख्य रूप से मैंने ग्रामर का लिखा है और कुछ साहित्य का नाम लिखा है। ये पाठ्यक्रम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैं फिर दोहरा दूं, ये ग्रामर का पोर्शन आपके जे टैट के सिलेबस में है और मुख्य परीक्षा के जेपीएससी में ग्रामर का पोर्शन भी पूछी जाती है, उसका भी पाठ्यक्रम है। यद्यपि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में ग्रामर के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी है, परंतु जेटेट में केवल आपको ग्रामर, साहित्य और साहित्यकारों के नाम पूछी जाती है। झारखंडी भाई बहन और छात्रों, हम यहां पे खोरठा पढ़ने से पूर्व कुछ इसकी विशेषता जानेंगे और ये भी जानेंगे कि खोरठा को कैसे लिखा जाए, कहाँ बोली जाती है, इसकी क्या विशेषता है, ताकि आने वाले कक्षाओं में, क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम शुरुआत करते हैं खोरठा का कुछ खास पॉइंट्स। खोरठा के जन्म आर ओकर विशेषता एकर अर्थ हुए है खोरठा की उत्पत्ति और उसकी विशेषता। आप सोच रहे होंगे सर ने लिखा है खोरठा के जन्म आर ओकर विशेषता, तो बता दे आपको कि खोरठा को कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो छात्रगण, हम एक बात पे आ रहे हैं। हम लिखे खोरठा के जन्म, दैट मीन्स खोरठा की उत्पत्ति और उकर विशेषता और उसकी विशेषता, उसकी को खोरठा में उकर कहा जाए। अब यहां पे खोरठा के जन्म या खोरठा शब्द की उत्पत्ति कैसे भेल होते हैं, कैसे हुआ होगा, तो विद्वान गुला, विद्वान लोग मानते हैं कि खोरठा की उत्पत्ति भारत के सोबले सबसे पुरलपरिया लिपि, प्राचीन काल की लिपि थी थरोष्टी। माने कि मतलब कुछ विद्वान गुला माने हैं, कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि खरोष्ठी जो लिपि थी उसी खरोष्ठी के अभ्रंश से खोरठा बनल होते, खोरठा बना होगा। खरोष्ठी, खोरोठी, खरोष्ठा, खोरोठा बन गया होगा बाद में खोरठा। वही नियर उसी प्रकार जैसे
मुखोपाध्याय सबसे पहले मुखोपाध्याय लिखल गेल हते। सबसे पहले मुखोपाध्याय लिखा हुआ होगा, बाद में मुखोपाध्याय बन गले उपाध्याय, और ओझा से बनले शबद झा। वह नियर खरोष्ठी से बनल होते का कोरठा। झारखंडी भाई बहन छात्रगण, आप जान ले कि झारखंड की जो भाषा है ओकरा दो खानदान में, दो वर्गों में बांटते हैं। एक आर्य भाषा, एक अनार्य भाषा। जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, एकरा अनार्य भाषा कहल जाए है। आर खुरठा, पंच परगनिया, कुरमाली और नागपुरी, ये चारों के सदानी भाषा आर्य भाषा कहल जाए है। वही आर्य में एक भाषा है खोरठा, और ये खोरठा गोटे झारखंड के, पूरे झारखंड के एगो मुख्य भाषा लागे है, एक मुख्य भाषा है जे गोटे झारखंड के 34,000 वर्ग किलोमीटर में बोलल और बजकल जाए, बोली और जाती है। मुख्य रूपे उत्तरी छोटा नागपुरे, माने कि खोरठा सदानी भाषा के एक मुख्य भाषा है, एक मुख्य भाषा है खोरठा सदानी भाषा को, एक मुख्य भाषा है जिकर क्षेत्र बोर लांब चाकर है, जिसका क्षेत्र बहुत ही लंबा चौड़ा है, माने 34,000 वर्ग किलोमीटर और 1.5 से 2 करोड़ लोगों के ये भाषा है, यह भाषा है। अब हम यहां जे बोर्ड पे पाठ्यक्रम लिखले ही, हम जो यहां बोर्ड पे पाठ्यक्रम लिखे हैं तो गौर कीजिएगा, हम यहां लिखले हैं संज्ञा, एकरे कहल जाए हिंदी में संज्ञा। जो आप पढ़ते हैं सर्वनाम, हम यहां लिखले ही सर्वनाम। विशेषण, विशेषण नहीं विशेषण, लिंग, वचन नहीं वचन। गौर कीजिए यहां पे, हुमा कहल जाए हिंदी में क्रिया, हम यहां के लिखले ही क्रिया। वहां बोली जाती है उपसर्ग, हम यहां लिखे हैं उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग। एकरे कहल जाए है खोरठा में अगाइड, आगे, इसको देखिए लिखा हुआ है उपसर्ग, एकरा हिंदी में उपसर्ग, यहां कहले ही उपसर्ग, और एकरा उपसर्ग के अगाइड मतलब आगे जो लगती है, परतई एकरा कहल जाए पछाइड, काल टाइम एकरा कहल जाए समय, कारक। आर हम यहां लिखले ही कहनी मतलब कहानी, नाटक, यात्रा वृतांत, यात्रा के हम लिखले ही यात्रा वृतांत, सॉरी यात्रा वृतांत। उपन्यास को लिखे हैं उपन्यास, कविता को कविता, लोकगीत मुहावरा। ये कहानी, नाटक, यात्रा वृतांत, उपन्यास, कविता, लोकगीत मुहावरा, ये जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तो लिखे हैं, इन 7 को जेपीएससी मुख्य परीक्षा में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़नी है, परंतु जे टैट के सिलेबस में ये जानना है कि कौन साहित्यकार कौन किताब लिखले हत, कौन किताब लिखले हैं, और कौन किताब के रचवैया कौन होत,
कौन किताब है और उसके रचनाकार कौन है, ये आपको जे टैट के सिलेबस से पढ़ना है कि कौन किताब के रचवैया कौन है, कौन किताब है और उसको लिखा कौन है, और कौन किताब के का विशेषता है और किस किताब की क्या विशेषता है। झारखंडी छात्र और भाई बहन, हम उकर जन्म जानन के बाद हम आ रहे हैं खोरठा की विशेषता। याद रखे चाहिए कि खोरठा जेकर क्षेत्र इतना लाम चाकर है, ओकर आपन कोई लिपि ना है, उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ओकर लिपि वही है जे लिपि हिंदी के है, उसकी वही लिपि है जो लिपि हिंदी की है। अर्थात खोरठा के आपन कोई लिपि ना है, ओकर लिपि हिंदी की तरह देवनागरी है, मतलब उसको हिंदी की तरह ही लिखी जाएगी। मकीन, मकीन मतलब हुए है लेकिन, और मकीन के खोरठा में मुद्दा, मुद्दा बोल या मकीन बोल, एक अर्थ हुए है लेकिन। लेकिन खोरठा में जिस शब्द के प्रयोग हुए हैं ओकरा कुछ तोड़ मोड़ के अदल बदल के प्रयोग हुए हैं। मानेक मतलब हम ई कहे चाहो ही, हम ये कहना चाहते हैं कि खोरठा की लिपि देवनागरी ही है, हिंदी ही है, लेकिन हिंदी के कुछ वर्ण के छोड़ के, इसका लिपि हिंदी जरूर है लेकिन कुछ वर्णों को छोड़कर, जैसे जैसे, देखिए जब भी बोलोगे जैसे तो जैसे 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 अंगा मूर्धन्ना तलब्बिशा छत्रीछा त्र ज्ञा री ली, इस शब्द के प्रयोग खोरठा में नाय करल जाहे, इस शब्द का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है। एकर औजी, औजी आ ऊ जी, एकर औजी इसके बदले, इसके बदले कोनो दूसर वर्ण के प्रयोग हुए हैं, जैसे ना के औजी ना हुए हैं, सा के औजी सा हुए हैं, छा के औजी छा, अत्रा के औजी ता और रा, ज्ञा के औजी गी या गिया, री के औजी री ली री। झारखंडी भाई बहन और छात्र, ये देखा कि देवनागरी लिपि जो है ओकर में इस शब्द के प्रयोग भेटा है हिंदी लिखे घरी, लेकिन खोरठा लिखे घरी इस शब्द के प्रयोग के औजी एकर प्रयोग भेटा है, इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे लिखिए आप लोग प्राण, तो लिखेंगे हम लोग प्राण, तो लिखेंगे यहां पर प्रा ना प्राण, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं हम लोग प्राण, सही वर्ड है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे इसको प र
भावना प्राण, मतलब ई राग के प्रयोग भी खोरठा में ना हुए है, खोरठा में नहीं होती है, और ना के बदले ई ना हो गए। फिर देखिए जैसे लिखे शेष, मान लिया शेष, तो ऐसे लिखेंगे से सा शेष। देखिए तलब सा के प्रयोग खोरठा में ना हुए है, उकर जगह में सा के प्रयोग हुए है। जैसे लिखा हुआ है छा, क्या लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे क्षत्रिय, तो कैसे लिखा हुआ है छतरिया, छत्रिया, छा के अवजी छा के प्रयोग हुए हैं। और देखिए जैसे ये लिखा हुआ त्रा, जैसे हम लिखेंगे प्राण, सॉरी जैसे कुछ वर्ड है जैसे छात्र, एक कैसे लिखा लेते हैं छात्रा, छात्र। देखिए त्रा को तर लिखल जाए तो छात्र को छात्र लिखल देते। इसे यहां देखिए जैसे लिखेंगे ज्ञानी, तो गा ग्या के जगह हम क्या गिया, तो एक लिखा कैसे लिखा लेते गी आ नी ज्ञानी, ठीक रहे। तो ग्या के जगह में गिया तो ज्ञानी, छात्र छात्र, किलो की किलो की मतलब क्योंकि, त्रा के तर लिखल जाए, ग्या के गिया लिखल जाए, सा के सा लिखल जाए, ना के ना लिखल जाए, तो हम लिख ले हाली परा ना प्राण, किलो की क्योंकि ना के औजी काची ना हुए है तो प्राण। वेह नियर, वेह नियर, वेह नियर, जैसे जैसे अभी हम बोले आपको वेह नियर, वे हे नियर, मतलब या कहने का मतलब है उसी प्रकार, वेहे नियर मतलब उसी प्रकार। जैसे री के कहल जाए री, जैसे हमको लिखना है ऋषि, तो ओकरा खोटम कैसे लिख लेते री सी, ऋषि। देखिए आप लोग री के लिखल जाए री, हमको लिखना है खोरठा में ऋषि, तो ओकरा ई नियर, उसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ओकरा ई नियर लिखल जाए, उसको इस तरह लिखी जाती है। माने कि ना के औजी ना, सा के औजी सा, चाहे कोई भी सा हो, चाहे तलब भी सा हो, चाहे ई वाली सा हो, होगा यही वाली सा। छा के औजी छा, त्रा के औजी तर, ग्या के औजी ग्या, री के औजी री, ली के औजी ली के प्रयोग हुए हैं। मकिन, लेकिन, लेकिन लेकिन हिंदी
में च छ ज झ इया इया के प्रयोग ना हुए हैं। हिंदी में इया का प्रयोग के पटतैर उधार नहीं मिलता, मकिन खुरठाए में इया के प्रयोग भेटा है, एकर पटतैर दिखा है। जैसे बच्चा मां के गोदी में, तो छुआ मैया के कुराए कुराए को रा या। देखिए हम यहां प्रयोग किए या का, हिंदी में या के प्रयोग के पटतैर, पटतैर मतलब उदाहरण ना भेटा है, लेकिन खुरठाए खुरठा में या के प्रयोग भेटा है। जैसे कोराए बच्चा मां के कोरा में गोद में या भेटा है। हम कुछ और विशेषता खुरठा में देखेंगे। जैसे हम लिखे या के औजी या के जगह खुरठा में जो प्रयोग होती है वो या के जगह में जा होती है। जैसे हम लिखेंगे मान लिया योजना, हिंदी में योजना, मकीन मकीन मीन्स भाई बहन छात्रगण, लेकिन मकीन जखन योजना के खोरठाएं लिखल जाए, जब योजना को खोरठा में लिखी जाएगी तब या के औजी जा शब्द के प्रयोग हुए है। योजना के कैसे लिखल जाते तो योजना या के कर में बदल गए जा में मकिन। लेकिन जखन अब गौर कीजिएगा या के औजी का लग गए जा, योजना हिंदी में और खुरठा में योजना। लेकिन जखन लेकिन जब यही वाली या अगर कोनो शब्द के मध्य में, यही वाली या अगर कोई शब्द के मध्य में लगेगा तो ये या आ में बदल जाएगा। जैसे सियारा, क्या लिखे सियार मध्य में है, मध्य में है हिंदी में मध्य में है, खोरठा में ई या आ में बदल जाए तो यहां का लिखे थे सियारा, क्या सियार सियार नहीं सियार। वेन ईयर जखन ई या कोनो शब्द के शेषे, यही या अगर कोई शब्द के अंत में मिलेगा, जैसे दिया, क्या लिखे दिया, तखनो तब भी ये या हो जाते आ में, सही होगा खोरठा में का दिया। तो छात्रगण और भाई बहन और दोस्त, हम यहां देख ले ही कि या जखन शुरुआती में लगल है तो या बदल गले जा में। जैसे योजना हिंदी में खोरठा में योजना, यही या अगर मध्य में लगले है सियार तो हो गले है सियार। यही या कोनो शब्द के से मतलब अंत में लगा था तखनो या बदल गले ककर में आ में। अब और देखिए
महाप्राणीकृत और अल्पप्राणीकृत के विशेषता भी खोरठाई में देखल जाए, इसकी विशेषता भी देखी जाती है। जैसे कुछ वर्ड है, मान लिया केकड़ा, केकड़ा लिखे, केकड़ा तो हिंदी शब्द है, लेकिन एक खोरठा में का लिखा लेते, बोलिए क्या लिखे हैं केकड़ा को? केकड़ा को हम लिख दिए खेखड़ा। तो देखिए का के बाद क्या आता है? खा। तो यहां का और का के अवजी का अगले खा खा, तो का बदल गले खा में, एकरा कहा जाए महाप्राणीकृत विशेषता। अब आर भी पटतर देखल जा सके है। जैसे हम बोलेंगे पेड़, पेड़ ओकरा खोरठा में लिखल जाए फेड़, तो पा बदल गले फा में। वह नियर अल्पप्राणीकृत विशेषता भी खोरठा में देखल जाए। जैसे हिंदी में हुए हैं सख्त, हिंदी में सख्त, एकरा खोरठा में लिखल जाए सकत, बड़ी सख्त है, बहुत टाइट है। तो आप लोग देखिए का बदल गया खा में और हिया खा बदल गया का में, एक बार वो आगे गया और फिर आगे से पीछे आ गया। तो केकड़ा के औजी खेखड़ा, का के औजी खा, जखन सख्त हिंदी शब्द है और खा आ गया पहले का में, तो सख्त बदल गया सकत में, एकरा कहल जाए अल्पप्राणी। माने खोरठा में महाप्राणी अल्पप्राणी की विशेषता भी खूब देखल जाए, एकर पैठतर भी गोटे झारखंड में खूब भेटा है, खूब मिले हैं। कुछ और विशेषता इनियर देखल जा सके हैं, कुछ और विशेषता इस तरह देखी जा सकती है। जैसे ई ऊ, यहां ई और ऊ जो लिखे हैं, मतलब ई और ऊ की विशेषता भी गोटे झारखंड में खूब देखल जाए, खूब दिखती है। जैसे हम बोलेंगे ई और ऊ, यहां लिखे औ, यहां लिखे औ के औ जी औ, जैसे हम लिखे औरत, औरत तो हिंदी वर्ड है, औ बदल जाए आ और ऊ में, तो औरत के खोरठाएं लिखल जा सके है आ ऊ रता, औरत। हिंदी में औरत ये औ का प्रयोग होगा, लेकिन खोरठाएं आओ बदल जाए आ और ऊ में, कहिया हो जाए का औरत। जैसे ए, वही आए, आए बदल जाए आ और ई में, जैसे ऐनक, जैसे मान लिखे हम ऐनक, ऐनक तो हिंदी शब्द है, ए बदल जाए किकर में आ और ई में, तखन एनक के लिखल जाए आ ई न का, आइनक। देखिए छात्रगण, दोस्तों औ आ और ई में बदल गया और ए
आ और ई बदल गया, मतलब ऐनक को लिखा जाएगा ऐनक और औ बदल गया और ऊ में, तो उसको लिखा जाएगा किस में, उसको लिखा जाएगा ऐनक। वे नियर गोटे झारखंड, उसी प्रकार पूरे झारखंड में स्वर के मध्य में ई और ऊ शब्द के पटतर खूब भेटा है। जैसे मतलब पूरे झारखंड में शब्दों के मध्य में ई और ऊ के प्रयोग खूब हुए हैं। जैसे चल, तो चल तो हिंदी वर्ड हुआ चल, लेकिन इकरा का सख्त बोली जाती है चल। देखिए जैसे पढ़, तो पा ई ढा पढ़। देखिए चल था और पढ़ था, तो चल हो गले चल और पढ़ हो गले पढ़। मतलब गोटे झारखंड, पूरे झारखंड में स्वरों स्वर के मध्य में ई शब्द के प्रयोग के पैठतर खूब भेटा है। वह नियर उसी प्रकार ऊ के वर्णन भी गोटे झारखंड स्वर के मध्य में खूब भेटा है। जैसे हम बोलेंगे साधु, ये साधु तो सही शब्द है हिंदी का, लेकिन गोटे झारखंड पूरे झारखंड में साधु के औजी साधु के बदले कहल जाए सौधक है, मतलब साधु हो गया किसमें सौध में ऊ मिला। जैसे मधु, मधु ये सही वर्ड है हिंदी का वर्ड है ये, लेकिन जखन मधु के खोरठाई में बोलल जाए और लिखल जाए तखन उकरा कहल जाए का खैबी मौध, मधु खाएंगे का खैबी, वहां भी ई बोला स्वर के मध्य में ई आया तो मौध खैबे, मधु नहीं मौध। इनियर हम देख सके ही हम देख सकते हैं कि गोटे झारखंड पूरे झारखंड के शब्दों के मध्य में ऊ और ई के वर्णन के पैतर खूब बेटा है और औ के औजी आ और ऊ हो जाए। जहां औ का प्रयोग होगा उसके जगह आ और ऊ लिखाएगा, औरत नहीं औरत, ऐनक नहीं ऐनक, आर अंगा ना सा छात्रा ग्या री री के औजी ई शब्द के वर्णन भेटा है। तो झारखंडी छात्रगण और भाई बहन, अभी आप समझ गए होंगे कि खोरठा की उत्पत्ति कैसे भेल होते। मकिन अभियो मकिन अखन तक अभी तक खोरठा के उत्पत्ति कैसे भेल होते एकर कोनो इसका कोई सुपट प्रमाण स्पष्ट प्रमाण ना भेटाए। सही लेल इसीलिए गोटे विद्वान बुला खोरठा के जन्म के लेल अखनो तक अभी तक अपना माथा खपवे है कि एकर उत्पत्ति एकर जन्म कैसे भेल होते।
छात्रगण, हम आज पढ़े कि खोटा कैसे लिखी जाएगी, किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा और किसके बदले कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ओके छात्रगण, धन्यवाद।